हेरा फेरी के बाद अगर अक्षय कुमार के किसी किरदार को सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो है राउडी राठौर। जी हाँ, राउडी राठौर में एक राउडी पुलिस वाले की भूमिका में अक्षय ने जो जादू किया, लोग उसे याद रखते हैं। अक्षय के करियर की ये एक बेहतरीन और सबसे सफल फिल्म रही। लेकिन अब अक्षय के फैंस को एक बात निराश कर सकती है, वो ये कि राउडी पार्ट टू में अक्षय नहीं दिखेंगे। जी हाँ, राउडी पार्ट टू के लिए अब मेकर्स ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर जीरो इन किया है। ये लोगों को हैरान कर सकती है। जहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है, वहीं अक्षय के फैंस इस चीज से हो गए हैं बेहद डिसअपॉइंटेड। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये अक्षय की अपनी टेक है, अपना कॉल है। अक्षय ये फिल्म नहीं करना चाहते हैं, उनकी कुछ और वजहें हैं। हालांकि संजय लीला भंसाली पहले ये चाहते थे कि अक्षय कुमार ये फिल्म करे, लेकिन अक्षय ने खुद ये फिल्म करने से मना किया है। पहले ये फिल्म प्रभुदेवा ने डायरेक्ट की थी, लेकिन प्रभुदेवा और संजय लीला भंसाली के बीच कुछ ऐसे मतभेद हुए जिसके चलते अब इसके पार्ट टू को अनीस बाजमी डायरेक्ट कर रहे हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा आडवाणी यानी कि उनकी ऑफिशियल पत्नी हो सकती हैं इस फिल्म में लेडी लव के तौर पर। लिहाजा पति पत्नी के लिए तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन अक्षय के फैंस इस चीज से बेहद निराश हैं और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर राउडी के कैरेक्टर में अक्षय कुमार ने जो छाप छोड़ी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा उसे कैसे रिप्लेस कर पाएंगे।